पहले कुछ चर्चा करें हम लोग। आप सभी लोग जानते होंगे कि लेंथनाइज श्रेणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और ये यफ ब्लॉक के श्रेणी है, 58 से लेकर के 71 तक इसमें, माने परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के परमाणु क्रमांक 71 तक के जितने तत्व हैं सब इसी में उपस्थित है। किसमें? लेंथनाइड में। आज लेंथनाइड के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। हालांकि 58 से लेकर के 71 तक तो आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ा सा मैं नोट कर देता हूँ कि कैसे आपसे कोई पूछेगा। यह है मान लो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और ये है नाम, और ये है संकेत। एक बार जरूर आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे, कॉपी पर नोट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ ये बुझाते नहीं का लिखा है, लेंथनाइड का लिखा है का हैजा LN के यल ए है, यल एन बा, और प्लस बका 2+ 3+ एलियन पर। चलो उसे वो सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा जाता है। वो नहीं दिया है, 2+ कर लो, 3+ कर, 3+ तक रखो, चलो बाद में। यहाँ 57, फिर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69, 70, 70। इतना तक आपके तत्व हैं। पहला में लिखा गया, सब लोग याद करो लेंथेनम। हालांकि आता नहीं है पूरा लिखने के लिए, हम कहा आता अभी हम आपको बताते हैं, सीरियम। उसके बाद से आपका प्रेजियो डीबियम, प्रेजो डीमियम, न्यूडीनियम। उसके पास से प्रोमेथियम। उसके पास है साइमेरियम। सब लोग याद करने का प्रयास करेंगे। यूरोपियम, सब अंतिम में यूरोपियम। गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, और एक होता है होल्मियम, आरबियम, और एक आपका थुलियम, उसके बाद है इटर्बियम, एक आपका ल्यूटिशियम। इतना नाम आपका दिया, एक झलक आप जरूर इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। संकेत में देखिए लिखता है ला एल ए सी ई पी आर, एक फार्मूला भी होता है एन डी पी एम एस एम ई यू जी डी टी बी डी वाई
एच ओ ई आर टी एम वाई बी एल ई। सब आपके दिया गया, इसका एक ट्रिक बनाना पड़ेगा। वो क्या बता रहे हैं उसी ट्रिक से आप बताइएगा पूरा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा हम बता दें, यहाँ पर संकेत लिखे हो, यहाँ ऐसा हटा करके खाली लिख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अच्छा होगा, वैसे ही रहने दो। पूरा लिखोगे सबके कापी है का? तो पर लिख लो तो भाई है, छोड़ दो। देखो पहला तत्व के छोड़ करके, संतान को छोड़ करके, बाकी जितने होंगे सब में यप आएगा, इसमें यप नहीं आएगा। इसमें क्या होगा कि आप जानते होंगे कि छौवा से शुरू होता है, छौवा और सातवां इसमें आया तो छौवा से शुरू होता है। इसमें जानते हो क्या होगा, यहाँ पर होगा 5D के ऊपर 1 और 6S के ऊपर 2। ठीक है, सबके ऊपर 6S के ऊपर 2 रहेगा, समझ रहे हो। इधर भी 6S के ऊपर 2, 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 6S के ऊपर 2 सब में। ठीक है, और ये तीन होगा, तो इसमें जब आप लिखिएगा तो अभी आप इसमें एंट्री मार रहा है, तो यहाँ कितना हुआ है 4 9 3 हो रहा है, तो यहाँ आप 4 होगा, तो 6S पर 2, 5D पर 1 और यहाँ पर 6 5 4 पर 1। आपको बता दें कि अभी इसके आगे वाला पढ़ेंगे तो इसका सामान्य सूत्र यही होता है कि n-2 आई एफ के ऊपर 1 से 14 तक, आगे आप पढ़ेंगे, और फिर n-1 और डी के ऊपर 1 से 10 तक, और फिर यान और यस के ऊपर 2 होता है तो 2 लिखा जाएगा। तो 4 हो गया, ऊपर में 3 हो गया, नीचे कितना हो गया 4 हो गया, और इसको तोड़ दो 6S के ऊपर 2, और जब 4F के ऊपर 3 लिख दो, 4F के ऊपर 3, 3 2 5 हो जाएगा आपका। फिर इस तरह से 4F के ऊपर 4 लिखो, 4F के ऊपर 5 लिखो, 4F के ऊपर 6 लिखो, 4F के ऊपर 7 लिखो, 4F के ऊपर 8 लिखो, 4F 7 लिख लो, और उसके बाद से यहाँ पर 4F के ऊपर एक अपवाद के रूप में बात 7, और फिर यहाँ 5D के ऊपर 1 है। ठीक है, अब बाकी सब वही पूरा लिखना है, 9 10 11 12 13 14 तक ऐसे ही लिखना है। 4F के ऊपर 9, 4F के ऊपर 10, 4F के ऊपर 11, 4F के ऊपर 12, 4F के ऊपर 13, 4F के ऊपर 14, ऐसा 4F के ऊपर 14 और 5D के ऊपर 1, 5D के ऊपर 1, समझ रहे हो ना। देखो इसमें अपवाद के रूप में कौन कौन हो रहे हैं, 1 58 है, 1 64 है, 1 71 है, सुनो ध्यान से। देखो 1 58 है, 1 64 है, 1 71 है, ये अपवाद के रूप में है, इन तीनों में डी आ रहा है, समझ रहे हो। देखो 58 में भी डी आ गया है, यहाँ पर 5D के ऊपर 1, 58 के बाद 64 है, इसमें भी डी आ गया है, और आपका 71 है, इसमें भी आपका डी आ गया। तो माने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा, देख रहे हैं कि सब में 6S जरूर रहेगा, यानी इससे पता चलेगा कि ये अगर किस आवर्त के हैं, तो 7 आवर्त होते हैं ना, तो आप इसको देख कर बता सकते हैं कि ये कौन आवर्त के हैं, सब 6वां आवर्त के, देख रहे हो 6 दिखाया है। सब में यफ रहना चाहिए, 4F रहेगा, लेकिन अपवाद के रूप में 58 64 और 71, इन तीन ऐसे माने आपके
तत्व हैं जिसमें डी आपकी उपस्थित रहेंगे। संतानवे ना संतावन है तो संतावन संतानवे अंतर नहीं बुझा तो संतावन इसमें दिया है ना तो संतावन इसमें रहना नहीं चाहिए। वो संतावन वो आपका डी ब्लॉक का तत्व है। वो मैं दिखाया कि इसको काट के इसमें दिखाया गया कि संतावन एक चीज में डी ब्लॉक का है। हमें जब कहते नामो निशान नहीं के संतावन में तो डी ए ब्लॉक के ना कहेंगे इसको, लेकिन इसमें दिखाया गया तो यहीं से काट के दिखाया गया। इसमें सब अप ब्लॉक है इसको छोड़ करके, क्योंकि इसमें अप नहीं है, समझ लो। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। हाँ तो वही नियन का मतलब का भाई लेंथेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यालियन का मतलब है लेंथेनियम, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। तो ये बात आपकी रखी, याद कर लो आज, है जरूर याद कर लेना। 58, 64 और 71 58, 64, 71 पर ये जो आपका इस तरीके से कर सकते हो। ये तीन अपवाद के रूप में घेरा बना लीजिएगा कि आपसे कोई पूछे तो इसको बता सकते हैं। देखो मना लो भाई 58, 64, 71 कि ये आपके अपवाद के रूप में होता है। नोट करो फटाक दे, याल यानी कि दो प्लस है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि दो दो का इलेक्ट्रॉन निकालते चलो। ए देखो देखो अभी तुम लोग तो मान लो कि कहानी ही है आपका कि यल यन के ऊपर है तो मान लो कि खाली इलेक्ट्रॉन ही बिन्यास था तो यल यन के लिए किए थे आप। अब यल यन के ऊपर दो प्लस का मतलब क्या भाई कि सब में से दो दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो दिमाग लगाओ सब में से दो दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। तो देखो हेमे से पहला में से दो इलेक्ट्रॉन खत्म कर दो तो ये खाली बची का ची 5d बची अरे गए ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन आके जाई कहाँ से, सबसे बड़ा वाला जहाँ कोष बा, सबसे बड़ा कोष कौन बा, है चार है यस है चार बा है पाँच बा है छः बा, तो छः सबसे बड़का बा ना तो सबसे बाहर वाला है। अच्छा ये कोई पूछ दे कि बताओ सब तीनों में से सबसे अधिक ऊर्जा किसका है, एफ का है डी का है कि यस का है, ऊर्जा सबसे अधिक किसका है सोच के बताओ। मैं प्रश्न किया ये नीट में आ गया क्वेश्चन कि आपको दे दिया पहला ऑप्शन में चार या दूसरा में पाँच ली तीसरा में छः या और चौथा में कह रही में से कोई नहीं, तो आप कहेगा सबसे बताओ सबसे अधिक ऊर्जा किसका है तो क्या बताएंगे। तो सुने एक चीज़ बताते हैं, जब आप 11 में होंगे तो पढ़ाया गया होगा जहाँ यह सोता है उसके लिए 0 लिखते हैं, याद है ये हल्का मान, जहाँ पी होता है तहाँ एक, जहाँ डी होता है तहाँ दो, जहाँ एफ होता है तहाँ तीन। ये रखो चार बा एफ खातिर तीन तो कितना भी 7, अभी पाँच बा आ डी खातिर दो तो कितना हो गया 5, 2, 7, अभी छः बा आई एस खातिर 0 तो कितना हो गया 6। अब सोच के बताओ कि सबसे अधिक एनर्जी किसकी होगी, सोचो सबसे अधिक एनर्जी होगी 5d की। 5 जानते हो क्यों, क्योंकि दोनों सेम है, साथ साथ दोनों का आ रहा है, याद है ना। और जिसका मान बड़ा होता है उसका एनर्जी अधिक होता है, 5 अधिक बात एनर्जी अधिक। खैर आइए समझ गए होंगे आप, तो सबसे बाहर कौन है, बड़ा वाला होगा 6 वाला होगा। या लेन के ऊपर दो प्लस का मतलब है दो गो इलेक्ट्रॉन इससे हट जाएगा निकल जाएगा, तो दो गो निकल गया तो खाली बचेगा 5d के ऊपर 1। 5d के ऊपर क्या बचेगा 1, यहाँ देखो यहाँ भी 2 निकलेगा ना तो यस में से दोनों निकल गया, दोनों का हो जाएगा निकल जाएगा, तो खाली बचेगा 4 या 5d पर 1। और डी पर कब 1 ना रही तो ये डी वाला ही में चल जाइए तो जाओ जी 4f पर 2, 4f पर अब आसान है निकालते चलिए दोनों हटा दीजिए, 4f पर 3 ये दो निकालिए, 4f पर 4, 4f पर 5, 4f पर 6, 4f पर 7, 4f पर 8, 4f पर 9, 4f पर 10, 4f पर 11। अरे तो ऐसे में चल जाइ 8 हो जाइ, देखो ना दिया होगा छोड़ लो बका ही, चलिए तो आप वैसे ही कर लीजिए। अरे उसको करना चाहिए ऐसा 5d पर 1। चलिए अब यहाँ भी यही हाल होगा, अभी 12 बात 4f पर 12 लिखा जाएगा, हाई क्या है 13 है तो 4f पर 13 लिखा जाएगा,
हाई हो जाएगा फोर या पर चौदह, तो आएगा फोर या पर चौदह और फाइव डी पर एक। अब तो चौदह से पंद्रह होगा ही नहीं, अपने मैक्सिमम चौदह ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यल के ऊपर यल एन के ऊपर दो प्लस बा, तो दो में निकाल दे जाइए सब में से। अगर अब एक आगे देखा लिख लो का ची, इसका आगे आपका लिखा है, जानते हो क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। एल एन के ऊपर अब एक हो गई इलेक्ट्रॉन घटा दो, हाथ हेमे से माल मेन है ना भाई, तो मान लो कि अब हेमे से तीन घटाना है, हेमे से दो घटे एक हो घटा दो, तो यह फाइव डी खत्म हो गए, तो फाइव डी पर जीरो, फाइव डी पर जीरो, फोर या पर वन। अच्छा माने डी डी वाला के सापे हटा दिलवा, एजा फोर एप कर दिलवा, फोर एप पर जीरो, ठीक। अजा का कर फोर एप पर एक है ना बा दो बा, तो एजा फोर एप पर दो, फोर एप पर तीन, फोर एप पर चार, फोर एप पर पाँच, फोर एप पर छः, फोर एप पर सात, सात नहीं अच्छा डी हटल बने, हाई फोर एप पर आठ, फोर या पर नौ, फोर या पर दस, फोर या पर ग्यारह, फोर या पर बारह, फोर या पर तेरह, फोर या पर चौदह, इतना आपका होगा ये। वही अगर ये अली अन के ऊपर चार दिखाओ तो चार घटा देंगे और घटा करके तब आप लिखेंगे, समझे कुछ। ये माने अभी लेंथेनाइड के क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आप एक हेडिंग बना लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चलिए कल इसको पढ़ाएंगे हम।